तो फाइनली बजाज अपनी पल्सर 125 का एक छोटा भाई यानी कि पल्सर 100 को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट पे अभी 100 सीसी सेगमेंट में हाल फिलहाल में काफ़ी सारी बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं। जैसे कि दोस्तों होंडा ने अपनी साइन 100 को लॉन्च किया, साथ ही साथ यहाँ पर हीरो कंपनी ने अपनी पैशन प्लस को लॉन्च किया, तो ठीक वैसे ही दोस्तों बजाज भी अब अपनी पल्सर को 100 सीसी सेगमेंट में लॉन्च करने वाली है, ताकि दोस्तों अदर जो 100 सीसी सेगमेंट की बाइक है उनको कड़ी टक्कर दे पाए ये पल्सर की 100। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी बजाज 100 के बारे में बताने वाला हूं कि इस बाइक को जो है कब तक हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, साथ ही साथ बाइक में जो आप लोग को क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे उसी के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बाइक के लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो बाइक का जो लुक है दोस्तों वो आप लोग को एग्जैक्टली जो 125 आती है उसी की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों फीचर्स के बारे में बताऊं तो पल्सर 100 पे आप लोग को कुछ खास फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बाइक पे जो आप लोग को नॉर्मली फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बाइक पे दोस्तों आप लोग को हेलोजन का लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, एनालॉग के साथ डिजिटल का मीटर कंसोल दिया जाएगा जिसपे आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ जो है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगी। तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को नॉर्मली फीचर्स देखने को मिलेंगे। बाकी इंजन के बारे में बताऊं तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को सेम जो प्लेटिना 100 पे इंजन मिलता है सेम वही इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 102 सीसी का BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा, यानी कि दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन भी दिया जाएगा, यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग बाइक पे यूज कर पाएंगे। पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो लगभग आप लोग को 7.79 BHP तक की पावर और 8.34 NM तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को 4 स्पीड गियरबॉक्स के सेटअप के साथ जो है किक स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। माइलेज के बारे में बात करें जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 65 KMPL तक की माइलेज देखने को मिल जाएगी पल्सर 100 से। बाकी यहीं पे मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग जो है दोस्तों 90,000 रुपए के आसपास में इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिलेगा, और यहीं पे मैं आप लोग को लॉन्च के बारे में बताऊं तो इस बाइक को दोस्तों 2024 के मिड तक में जो है बजाज कंपनी की ओर से लॉन्च किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस पल्सर 100 को लेके नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।